हेलो एवरीवन वेलकम बैक क्लास टेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट टू की जो क्वेश्चन बैंक रिलीज हुई है उसमें से क्वेश्चन नंबर वन ए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर वन बी फाइंड एंड वन आउट क्वेश्चन नंबर बी टू दैट इज नेम द फॉलोइंग हम लोग ने ऑलरेडी कवर किया है अगर आपने वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो आगे के क्वेश्चन है

थियोरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन डार्विन ने जो थियोरी प्रपोज की थी वो कौन सी थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सो लैमार्क की थी कौन सी थियोरी थी थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस जिसको लैमार्किज्म भी बोला जाता है थर्ड वन इज चेंज इन द न्यलियो न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन जिसको बोलते म्यूटेशन जीन्स में चेंज होता है तो उसको बोलते म्यूटेशन जो चेंज इन द प्लेस ऑफ राइबोजम्स को क्या बोलेंगे ट्रांसलोकेशन अमीबा में रिपोडक्शन कैसा होता है बाई फ्यूजन और हाइड्रा में बाय कैलिक्स का है सेपल मतलब सेपल का पार्ट है कैलिक्स सो so, कोरोला इज अ पार्ट ऑफ पेटल्स बायसेक्शुअल में एग्जाम्पल है हिबिस्कस और यूनिसेक्शुअल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मैंने यहाँ पे पपया दिया है आप कोई भी एक लिख सकते हो पॉलिकल स्टिम्यूलेटिंग हार्मोन डेवलपमेंट ऑफ ओ साइड्स यूटिलाइजिंग हार्मोन रिलीज ऑफ एन एग एक्सेसरी वर्ल्स कैलेक्स एंड कोरोला इसेंशियल वर्ल्ड एंड एंड गाइनोशियम अर्थ को इट इज़ अ नेचुरल फैक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ मैन मेड फैक्टर हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन वाटर स्टोर इन अ डैम्स एटोमिक पावर स्टेशन न्यूक्लियर रिएक्टर स्टो में थर्मल एनर्जी होती है स्विम मशीन में सोलार एनर्जी होती है पावर अवेलेबल फॉर द सोलार डी सी डायरेक्ट करंट एंड पावर रिक्वायर टू रन डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स ए सी ऑल्टरनेटिंग करंट थर्मल पावर जनरेशन एयर पोल्यूशन थर्मल पावर जनरेशन की वजह से एयर पोल्यूशन होता है सो एटोमिक पावर जनरेशन से एटॉमिक पावर जनरेशन की वजह से क्या होता है तो न्यूक्लियर वेस्ट बनता है टेप वार्म इज अ फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस इंटेस्टिल वार्म की फाइलम कौन सी है तो फाइलम एस्किलमेंथिस मामल्स ब्रीदिंग थ्रू द लंग्स मामल्स ब्रीदिंग थ्रू लंग्स मामल्स होते हैं वो ब्रीदिंग कैसे करते हैं थ्रू लंग्स और पाइसिस थ्रू गिल्स फाइट वॉर्म इज अ बाइसेशुअल राउंड वार्म इज असेक्शुअल नेक्स्ट है पोरीफेरा इज असिमेट्रिकल निडारिया सेमेट्रिकल और प्रोडक्ट इज द लार्जेस्ट फाइलमसा इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम लैक्टोबैसेल यूगड बनाने में यूज किया जाता है और बेकर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड में ओके देने सेक्रोमाइसिन सेरिवेसी इथेनॉल एसपरगेल एसपरजेल ओरिजी सोया सॉस लैक्टिक एसिड टू एम्पार्ट लैक्टिक एसिड टू एम्पार एसिडिटी बीटा का रोटीन क्या है तो ये एडेबल कलर है गैशियस फ्यूल कोल गैस कोल गैस गैशियस में आता है सो so कोल क्या होगा सॉलिड फिल वाइट वाइट रिवॉल्यूशन इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन ब्लू रिवॉल्यूशन प्रोडक्शन ऑफ अक्वाटिक ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट भी सेम है वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन ब्लू रिवॉल्यूशन प्रोडक्शन ऑफ अक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स एब्रीकल्चर क्या है तो रिलेटेड टू हनी बीज कल्टिवेशन so ऑफ मेडिसिनल प्लांट क्या है सो इसमें अडुलसा दिया है आप कोई भी एक मेडिसिनल प्लांट लिख सकते हो सब्सटेंस लेडिंग टू Addiction, drugs, substance leading to cancer, tobacco. Control on a tobacco consumption, Tata Trust, em empowering children in a slum area, Salam Mumbai Foundation. Next, write function first generator to generate electricity, turbine ka function ka to rotate generator, and condenser ka function conversion of steam to water. Next, write whether true or false. द डिकंग प्रोसेस ऑफ कार्बन फोर्टीन ऑकर्स कंटिन्यूसली इन डेड ऑर्गेनिजम्स ओनली कार्बन फोर्टीन की जो डिकिंग प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू रहती है डेड ऑर्गेनिजम में सो ये ट्रू है प्रोकेरियोटिक सेल डिवाइड थ्रू द माइटोसिस और म्योसिस ये फॉल्स क्यों है क्योंकि प्रो कैरियोटिक सेल्स होते हैं वो बाइनरी फीजन से डिवाइड होते हैं पोलियन ट्यूब रिचेज एम्ब्रियो सेक्वास्टाइल ट्रू समटाइम्स अ ट्वीन्स आर जेनेटिकली डिफरेंट ये ट्रू है क्योंकि वो डाजाइकॉटिक uh, होते हैं तो वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं पोलियर ग्रेन्स फ्राम एंथर्स आर ट्रांसफर्ड ऑन ए स्टिगमा ट्रू इन्वॉर्मेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट ट्रू द पावर प्रोड्यूस फ्राम सोलर सेल इज़ अ डी सी सोलार सेल में जो पावर प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्ट करंट दैट इज़ ट्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ए जनरेटेड या मैंने ट्रू और फॉल कुछ भी लिखा नहीं है क्योंकि मेरे को ये थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड बाय सोलार एनर्जी सोलार एनर्जी या थर्मल एनर्जी कुछ तो चाहिए था लेकिन मेरे को इनकम्प्लीट लगा सो so मैंने आंसर नहीं दिया है सो so प्लीज़ आप चेक करना वाइट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्लोरिक एनर्जी देर इज़ अ नो पोल्यूशन ट्रू इन अ विंड मिल द रोटेटिंग ब्लेड्स ड्राइव द टर्बाइन एंड द टर्बाइन इन टर्न ड्राइव द जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रू इन इन न्यूक्लियर पावर प्लान द चेन रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल ये फॉल्स हैं क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट में जो भी रिएक्शन की जाती है वो कंट्रोल ही होती है द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट सेफली इज़ अ बिग चैलेंज बिफोर साइंटिस्ट सो पहले जो न्यूक्लियर वेस्ट होता था उसका डिस्पोजल करना एक प्रकार का चैलेंज ही था सो so, ये ट्रू है Efficiency of power generation plants based on an energy of natural gas is higher than that of the power generation plant based on a coal. A B true hai. in hydroelectric power plant the potential energy of water stored in a dam is converted into kinetic energy A B true hai. in nuclear power plants turbines working on a solar panels are used a false nuclear power plant nuclear reactors use The potential difference available from a solar cell depends on its area true. Tentacles are used for capturing the prey. True. Petromyzone is an endoparasite. False. Petromyzone is an ectoparasite. Locomotion of starfish takes place through the pseudopodia. Ye bhi false. Because starfish's locomotion two feet. Se hota hai. Classification of animals makes it easy to study the vast variety of animals. True. Shelf life of yogurt can be increased by pasteurization. True. विनेगर इज यूज टू ब्रिंग द स्वीटनेस इन अ फूड प्रोडक्ट्स ये फॉल्स है विनेगर क्यों यूज़ किया जाता है टू इम्पार्ट द सावर टेस्ट इन फूड प्रोडक्ट्स मिथेन गैस इज प्रोड्यूज बाई माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट ये ट्रू है स्पाइनोसाइड इज अ बायोपेस्टिसाइड ये भी ट्रू है सिल्फरिक एसिड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्राम सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया लाइक एसिडोफैलम ट्रू माइक्रोब्स हैव द नेचुरल एबिलिटी माइक्रोब्स है नैचुरल एबिलिटी ऑफ डीकम्पोजिंग द मैन मेड केमिकल्स ट्रू एंटीबायोटिक्स कैन नॉट बी अपटेंस फ्रॉम द वायटी ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई ये फॉल्स है क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगाई से हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं नॉन जेनेटिक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व म्यूटेशन इन अ सेल जीन फॉल्स है क्योंकि जो म्यूटेशन मतलब जीन्स में जो चेंजेस वगैरह होते हैं उसमें जेनेटिक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है कर्लीअर इंसुलिन वॉज बींग कलेक्टेड फ्राम द पैन किलियर्स ऑफ हॉर्सेस ये ट्रू है वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फरस एंड पोटाशियम्स आर मेड अवेलेबल टू क्रॉप बाय द अर्थ फॉर्म एंड फंगा ट्रू वी डोंट हैव एनी ट्रेडिशन ऑफ क्यूरिंग द डिजीज विद देल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ये फॉल्स है क्योंकि इंडिया में डिजीज को क्यूअर करने के लिए एक नेचुरल सोर्सेस से क्योर करने के लिए करने का एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है और इसको आयुर्वेदा बोला जाता है मलेरिया इज अ कॉज टू द जेनेटिक डिसऑर्डर टेकिंग प्लेस इन अ लिवर सेल इसका आंसर मैंने फॉल्ट तो दिया है लेकिन आप इसको चेक करना सीडोमोनास बैक्टीरिया कैन सेपरेट द एंड ऑयल पल्यूटें फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर इट्स ट्रू जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टेरियम बैसिलस थोरिन जेनेसिस इज अंटीग्रेटेड विद द जीनम ऑफ कॉटन ट्रू हाई क्लास ऑफ वराइटीज ऑफ क्रॉप्स हैव बीन डेवलप थ्रू द टेक्निक्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये फॉल्स है जोनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैव द लो रेजिस्टेंस फॉर डिजीज ये भी फॉल है क्योंकि जोनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में हाई रेजिस्टेंस होता है फॉर डिजीज वैक्सीस प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डो नॉट इन मेन एक्टिव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ये भी फॉल्स है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से बनाए हुए वैक्सीन बहुत टाइम के लिए एक्टिव रह सकते चिल्ड्रंस हु कार्टून फिल्म में इमिटेट द कैरेक्टर्स ऑफ दोज फिल्म ये ट्रू है टोबैको चिविंग डज नॉट कॉज कार्टोनोजनिक माउथ एंड लंग्स ये फॉल्स है क्योंकि टोबैक्ो खाने से माउथ और लंग्स का कैंसर होता है स्ट्रेस इंक्रीजेस ड्यू टू द ड्यू टू मोर लाफिंग ये फॉल्स है क्योंकि मोर लाफिंग से स्ट्रेस जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है ओके okay, सो so आज हमने रिलेट द फॉलोविंग राइट द फंक्शन एंड ट्रू और फॉल्स सारे के सारे सॉल्व किए हैं सो आज के लिए बस इतना ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग आगे के वीडियोज में कंटिन्यू करेंगे तो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू द चैनल